अगर चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल का ऑप्शन दबाएं ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिल सके। एक माँ का दर्द दूसरी माँ क्यों नहीं समझती है। बहू ओ बहू कहाँ चली गई। अवनी की सास निर्मला जी ने छत से आवाज़ लगाई, हाँ माँ जी। अवनी, बहू ये टेबल जरा पकड़ लेना। निर्मला, माँ जी रिहान मेरी गोद में लेटा है, मैं कैसे आऊँ। निशांत, ज़रा आप ही पकड़ लीजिए, अवनी ने अपने पति से कहा। निशांत उठकर जब टेबल पकड़ने गया तो निर्मला जी बोली, बेटा तुम क्यों आ गए, तुम्हें बुखार चढ़ा हुआ था, सुबह बहू को भेज देते। माँ, अभी मेरा बुखार ठीक है, रिहान का फिर बुखार आ गया है, वह अवनी की गोद में लेटा है। अवनी कैसे आती, निशांत ने कहा। अरे तो उसे बिस्तर पे लेटा देती, दिख नहीं रहा तुम्हें अभी कितनी तेज बुखार था, वो क्या समझेगी एक माँ का दर्द, निर्मला जी ने गुस्से में कहा। यह सब बातें अवनी सुन रही थी, फिर भी उसने नज़रअंदाज कर दिया क्योंकि अभी वो कोई बात का बतंगड़ नहीं बनाना चाहती थी और उसका 3 साल का बेटा रिहान बीमार भी था, तो अवनी उस पर ध्यान देने में लग गई। थोड़ी देर बाद फिर निर्मला जी ने अवनी पर चिल्लाते हुए बोली, बच्चे को लेटा दो, निशांत के लिए दलिया या कुछ बना कर दो, उसे दवाई भी तो खाना होगा। माँ जी, जैसे मैं जाने को होती हूँ रिहान रोने लगता है, वो कह रहा है मम्मा मेरे पास ही रहो, बुखार में बच्चा कहाँ माँ को छोड़ते हैं, गोद में ही रहना चाहते हैं, ये थोड़ा सो जाए तो मैं बना दूंगी, अवनी ने कहा। दवा खाने का समय निकल जाएगा तो बनाने से क्या फ़ायदा, वो निशांत इतनी तकलीफ में था, उसे समय पर नाश्ता दवा की ज़रूरत है और तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, पत्थर दिल हो गई हो तुम, रिहान को किसी खिलौने या किसी चीज़ में बहला भी सकती हो, कुछ दे दो खेले और तुम जाओ बनाओ, निर्मला जी ने अवनी से कहा। ये बात अवनी के बर्दाश्त से बाहर था और वो बोल पड़ी, सासू माँ आपके बच्चे का दर्द दर्द और मेरे बच्चे का दर्द वो कुछ नहीं, आप भी माँ हैं और अपने बच्चे के लिए कितना परेशान हो रही हो, तब भी आप मेरी भावनाएं नहीं समझ रही, मेरे 2 साल के बेटे को भी फीवर है और मैं उसे यूं ही रोता हुआ छोड़कर आपके बेटे के लिए नाश्ता बनाने जाऊं, पत्थर दिल तो आप हैं जो एक माँ होके दूसरी माँ का दर्द नहीं समझ रही, आप भी तो निशांत के लिए दलिया बना सकती हैं और नहीं बना सकती तो इंतज़ार कीजिए, जब रिहान सो जाएगा तो बना दूंगी। अवनी, ये क्या तरीका है माँ से बात करने का, उन्हें कितना ठेस पहुँचा होगा, चलो माँ से माफ़ी मांगो, निशांत ने अवनी से गुस्से में कहा। सही है, वो माँ है, उन्हें ठेस लग सकती है और मैं भी तो माँ हूँ, मुझे भी उनके इस ऐसे व्यवहार से ठेस पहुँची है, अवनी ने कहा। मैंने तो सिर्फ अपना पक्ष रखा है, मैंने कोई गलती नहीं की, जो मैं माफ़ी मांगूँ, अवनी ने गुस्से से कहा। निशांत कुछ बोलने ही वाला था कि निर्मला बोल पड़ी, बहू सही कह रही है, मैं ही अपनी ममता में इतनी स्वार्थी हो गई कि अब उसकी ममता और अपने बेटे का दर्द ना समझ सकी, तू रिहान को संभाल, मैं दोनों के लिए दलिया बना लाती हूँ। दोस्तों, कभी कभी अपना पक्ष भी रखना ज़रूरी हो जाता है, नहीं सामने वाले की आंखों का पर्दा नहीं हटता। आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर करें। आप मिलते नई कहानी के साथ, देखने और सुनने के लिए धन्यवाद।